तो गाइस ये हैं बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन समूह के लिए एक शब्द। सबसे पहला है वन हु लव्स बुक्स, वह जो किताबों से प्रेम करता है, हिंदी में पुस्तक प्रेमी, इंग्लिश में बिब्लियोफिल। नंबर टू अ पर्सन हु बिलीव्स इन गॉड, वह व्यक्ति जो भगवान में विश्वास रखता है, हिंदी में कहते हैं आस्तिक, इंग्लिश में कहते हैं थीस्ट। ओके नंबर थर्ड है अ मैन हुज वाइफ इज डेड, वह व्यक्ति जिसकी पत्नी मर चुकी है, हिंदी में कहेंगे विडो, इंग्लिश में है विडोवर। नंबर फोर अ पर्सन, एक व्यक्ति हुज अनेबल टू पे डेब्ट्स, जो कर्ज चुकाने में असमर्थ हो, हिंदी में कहते हैं दिवालिया, इंग्लिश में कहते हैं बैंकरप्ट। नंबर फाइव है वन हु टोटली अबस्टेंस फ्रॉम लिकर, हिंदी में शराब का परहेजी, वह व्यक्ति शराब से हमेशा दूर रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट, इंग्लिश में है टीटो टेलर। नेक्स्ट है वन हु बिलीव्स इन फेट, वह व्यक्ति जो भाग्य में भरोसा करता है, हिंदी में भाग्यवाद, इंग्लिश में फेटलिस्ट। ओके नंबर सेवन विच कैन नॉट बी रेड, जो पढ़ा ना जा सके, अपठनीय, इंग्लिश में एलिजिबल। नंबर एट विच कैन नॉट बी हर्ड, जो सुना ना जा सके, जो सुनाई ना दे, इंग्लिश में इनऑडिबल। नंबर नाइन दैट इज डिफिकल्ट टू बिलीव, इस पर विश्वास ना किया जा सके, अविश्वसनीय, इंग्लिश में कहेंगे इनक्रेडिबल, अनबिलीवेबल भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है अ रेमेडी ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ डिजीज, हर मर्ज का इलाज, रामबाण, इंग्लिश में कहते हैं पैनासिया। नंबर 11 है अ चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड, वह बच्चा जिसके माता पिता मर चुके हों, हिंदी में कहते हैं अनाथ, इंग्लिश में ऑर्फिन। नंबर 12 हु डाइज फॉर द सेक फॉर हिज कंट्री, जो देश के लिए मर मिटे, शहादत कर दे, शहीद, इंग्लिश में मार्टियर। नंबर 13 अ पर्सन हु कैन नॉट रीड और राइट, जो ना पढ़ना जानता हो ना लिखना, हिंदी में अनपढ़, इंग्लिश में इलिटरेट। अ पर्सन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, वह व्यक्ति जो चीज़ों की सकारात्मक दृष्टिकोण से देखे, ऑप्टिमिस्ट या आशावादी। वन हु लुक्स द डार्क साइड ऑफ थिंग्स, वह व्यक्ति जो चीज़ों को नकारात्मक दृष्टिकोण से देखे, निराशावादी या पैसिमिस्ट। सो गाइस वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।